अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आज जो है वो हम वेक्टर स्पेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं उनको प्रूव करने जा रहे हैं कि जैसे कि हमने वेक्टर स्पेस की अपनी डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी देख चुके हैं। अब हम इसके बारे में जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करने जा रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर हम वी एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लेते हैं और स्मॉल वी हम कोई भी एक इसमें से जो है वो वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट्स लेते हैं। अब हमें पता है कि वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड लेते हैं हम, और यहाँ पर ये जो ए ले रहे हैं ये इस फील्ड में से ले रहे हैं, मतलब वी हम वेक्टर ले रहे हैं और ए हम स्केलर ले रहे हैं। तो फिर इनके लिए जो है ये फॉलोइंग फाइव प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये होल्ड करती हैं, इनको जो है वो अभी हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर ए डॉट ज़ीरो लेते हैं तो ये हमारे पास ज़ीरो आएगा, मतलब फील्ड में से हम कोई भी एलिमेंट लें उसको अगर हम ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें जो है वो ज़ीरो आंसर देगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास स्केलर ज़ीरो हो जाता है, मतलब ए यहाँ पर ज़ीरो जो है वो हम वेक्टर स्पेस में से ले रहे थे कि वी में से अगर हम ज़ीरो लेते हैं और उसको ए स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है वो हमें ज़ीरो आंसर देता है। अब नेक्स्ट में हमने जो है वो ज़ीरो जो है वो फील्ड में से लिया हुआ है और इसको हम जो है वो वेक्टर स्पेस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला ज़ीरो जो है ये फील्ड में से लिया हुआ है और वेक्टर स्पेस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वी से वेक्टर से, तो ये हमें जो है वो ज़ीरो आंसर दे रहा है। अब नेक्स्ट है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो देन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हमारे पास ए ज़ीरो होगा और या फिर बी ज़ीरो होगा। इधर की हमने कंडीशन लगाई है कि इधर दोनों में से जो है वो एक तो मस्ट है कि वो जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है, दोनों में से एटलीस्ट वन जो है वो ज़ीरो ज़रूर होगा अगर इसका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ रहा है स्केलर का और वेक्टर का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि माइनस ए टाइम्स अगर हम वी लेते हैं तो ये हमारे पास, मतलब अगर हमारे पास स्केलर नेगेटिव आ रहा है और उसको हम वी से मल्टीप्लाई करें या फिर जो हमारे पास वेक्टर था उसको हम पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लें या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों जो है वो हमें इक्वल वैल्यू देंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि ए हमने स्केलर लिया हुआ है और यू और वी जो हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस वी में से लिए हैं, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें और उसके बाद एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा दें या सेपरेट सेपरेट पहले इनको जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएँ और उसके बाद इनका डिफरेंस ले लें तो ये हमें जो है वो इक्वल आंसर देगा। इन पाँचों प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हमें प्रूव करना है। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस इक्वेशन में ए डॉट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, ए डॉट ज़ीरो वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर स्पेस में जो ऑपरेशन ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से ये ऑपरेशन डिफाइन है कि फील्ड इंटू वैक्टर स्पेस, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस के ऊपर जो है वो मैप करती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये हमारे पास ऑपरेशन डिफाइन है। तो यहाँ पर हम ए जो है वो स्केलर ले रहे हैं, इसको ज़ीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस में से एलिमेंट होगा, इसलिए हमने इसको कहा कि ये हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। अब ए डॉट ज़ीरो, सिंस ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी, क्योंकि हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, तो ज़ीरो अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है तो ज़ीरो को हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़ीरो प्लस ज़ीरो जो है वो इसमें जो है वो ज़ीरो ऐड कर लिया। अब यहाँ पर जो है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी हम जो है वो यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास दो स्केलर और एक वेक्टर आ रहा है तो ये यू अल्फा, मतलब ये स्केलर जो है इन दोनों पे वो वेक्टर जो है वो यू ये इन दोनों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हम प्रॉपर्टी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस ये हम हमारे पास आ गई, इसको हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये ए हमारे पास जो स्केलर था ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये हमारे पास ए डॉट ज़ीरो और ए डॉट ज़ीरो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट जो है हम जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी को यूज़ करने जा रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमने कहाँ पर यूज़ की, यहाँ पर हमें पता है कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको हम किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो दोबारा से वही हमारा आंसर आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने उससे नेक्स्ट स्टेप में जो है वो लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ यूज़ किया, हमने ये और ये जो है ये दोनों कैंसिल कर लिए हैं लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ यूज़ करके, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ए डॉट ज़ीरो इज़ इक्वल टू हमारा जो है वो ज़ीरो आ रहा है फॉर आल ए बिलोंग्स टू द फील्ड, और यही हम जो है वो शो करना चाह रहे थे। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है
वो ज़ीरो डॉट वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि ज़ीरो मल्टीप्लाई वेक्टर स्पेस वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल हमारे पास आएगा। इसमें भी हमने एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज़ की और वेक्टर स्पेस की, उसी तरह हमने प्रॉपर्टी के ये वेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसमें भी हम जो है वो इसी तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने जा रहे हैं, हम जीरो डॉट वी को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि जीरो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हमने जो है यहाँ पर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से ये जो प्रॉपर्टी है कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यू हो तो इसको हम अल्फ़ा यू डो प्लस बीटा यू जो है वो लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली। उसके बाद जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी हमने दोबारा जो है वो अप्लाई कर दी इधर लेफ्ट साइड पर, तो ज़ीरो ऐड कर लिया। उसके बाद कैंसिलेशन ला से ये जो है वो दोनों साइड्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास जीरो डॉट वी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और यही हम शो करना चाह रहे थे कि फॉर ऑल वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट लें तो उसमें से अगर हम ज़ीरो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो ज़ीरो वेक्टर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ज़ीरो लेफ्ट साइड पर आ रहा है ये स्केलर है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे पास वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर है। अब a डॉट जी वी जो है अगर स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो फिर हमने प्रूव करना है कि इन दोनों में से एक जो है वो मस्ट है कि ज़ीरो हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं कि a डॉट वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एक तो ये चीज़ सपोज कर लेते हैं जो गिवन है कि a डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा हम सपोज कर लेते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब a को अगर हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं तो हमें शो करना है यहाँ से कि फिर b जो है वो मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए को नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर लेके चल रहे हैं तो फिर ए जो है वो फील्ड में से एलिमेंट है, और फील्ड हमारे पास किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप होता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप होता है। अगर ए फील्ड में से हम ले रहे हैं और फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अबेलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि ए का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले रहे हैं। तो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का फील्ड में जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो फिर यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ए इन्वर्स कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि अगर हम ए इंटू ए इन्वर्स ले लें या ए इन्वर्स इंटू ए ले लें तो ये हमें वन वैल्यू देता है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो एज वेक्टर स्पेस, अब जो क्योंकि हम इसको जो है वो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं और वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है कि वन डॉट वी जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वी के। अब इस प्रॉपर्टी को जो है वो हमें यूज़ करना है। हमने क्या किया कि देखें हर एलिमेंट जो है इक्वलिटी का रिलेशन में हम वी इज़ इक्वल टू वी लिख सकते थे। अब वन क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को जो है वो हम यहाँ पर जो है वन डॉट वी लिख सकते हैं। अब वन की प्लेस पे ये जो वन है इसकी प्लेस पे हमने ये पुट किया है ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो हमारा वन के इक्वल आ रहा था, तो यहाँ से पहले ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ की, उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फील्ड में होल्ड करता है क्योंकि फील्ड जो है वो हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, तो यहाँ पर हमने जो है वो कम्यूटेटिव लॉ यूज़ कर लिया। अब कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करने के बाद हमने यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज़ कर लिया, तो एसोसिएटिव लॉ यूज़ करने से हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी जो है, वैसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्केलर के बेसिकली यहाँ पर सॉल्यूशन से राइट, यहाँ पर जो है वो एसोसिएटिव लॉ नहीं यूज़ होगा। अगर ये सारे तीनों स्केलर होते तो फिर हम एसोसिएटिव लॉ जो है वो यूज़ कर सकते थे मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि फील्ड के एलिमेंट्स फिर तीनों होते और फील्ड जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है, तो उसमें एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो स्केलर है और एक वेक्टर है, ये दो स्केलर है और थर्ड वाला हमारे पास वेक्टर है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमने देखी थी कि अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा यू ले लें या अल्फ़ा बीटा को पहले मल्टीप्लाई करके फिर यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो यहाँ से यूज़ होगी। यहाँ पर अल्फ़ा की प्लेस पे ए इनवर्स है और ये ए वी हमारे पास आ गया। अब ए वी जो है वो हमने सपोज करके चले थे कि ए और वी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है, तो ये चीज़ हम सपोज करके चले थे कि ए और वी का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो अभी हमने जो है यहाँ तक हम पहुँच गए, तो अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में जो है वो प्रूव किया है कि अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर दें ज़ीरो वेक्टर के साथ तो हमारे पास आंसर जो है वो आता है ज़ीरो वेक्टर। तो उस प्रॉपर्टी को हमारे पास यूज़ करते हुए यहाँ पर ए इनवर्स डॉट ज़ीरो जो है ये हमारा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ से शो कर दिया कि अगर हम ए को नॉन इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे थे, ए को हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे थे, और दूसरी बात हम ये लेके चल रहे थे कि ए डॉट वी जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, ये चीज़ हम सपोज करके चल रहे थे।
ठीक है, तो यहाँ से हमने फिर क्या शो कर दिया, देन के बाद हमारी कंक्लूजन आती है, यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि वी इज इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर वी जो है वो मस्ट है कि जीरो होगा। अब नेक्स्ट हमने जो है वो जो लेके चलना है वो हमने वी को नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलना है, ठीक है। एक तो वी को नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलना है, दूसरी ये कंडीशन भी हमने लेके चलनी है कि ए डॉट वी जो है ये इक्वल टू जीरो है, और फिर हमने शो कर देना है कि अगर वी को नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं तो फिर ए जो है वो हमारा मस्ट भी जीरो है, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, हमने शो यही करना है कि ए हमारा इक्वल टू जीरो है, लेकिन इसको हम बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करने लगे हैं। जब हमने बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करना हो तो जो चीज़ हमें शो करनी होती है ना उसकी हमने कंट्राडिक्शन लेके चलनी होती है, ठीक है। उसका मतलब जो उल्ट है वो हमने लेके चलना, हमने शो करना है कि ए जो है वो हमारा इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो फिर हम सपोज करके चलते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है और ए हमने वही अगेन रीज़न कि क्योंकि ए हम फील्ड में से ले रहे हैं और ए को हमने कहा कि ये जीरो नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप होती है। तो फिर अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर ए इन्वर्स डॉट जीरो जो है वो इक्वल टू हमारा आना चाहिए ज़ीरो के, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर ए डॉट जीरो हम लेते हैं तो ये हमारा इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब जीरो की प्लेस पे जो है वो ए डॉट वी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम सपोज करके चल रहे हैं कि ए डॉट वी जो है ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से अब अगेन हमने वही वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन में हमारे पास स्केलर वाली प्रॉपर्टीज थी वो वाली यूज़ कर ली। यहाँ पर बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा वी जो है ये हमारे पास इक्वल आता है अल्फ़ा बीटा और फिर बाद में जो है वो वी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली कि ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई हो गए। अब ए इनवर्स और ए जो है ये हमें दे देगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन, तो वन डॉट वी जो है वो हमारे पास आ रहा है इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब वन तो जो है वो एक हमें पता है कि वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक तो बात ये हमें पता है कि वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा हमें पता है कि वन जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और यहाँ पर हम जो है वो वेक्टर स्पेस की हमने जो है डेफिनेशन में ये कंडीशन पढ़ी थी कि वन डॉट वी जो है वो हमारा वी के इक्वल आता है, तो यहाँ से फिर एक्चुअली ये हमारे पास शो हो गया कि वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर वन डॉट वी वी के इक्वल है तो वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो शो हो गया यहाँ पर, और ये तो फिर जो चीज़ हम सपोज कर रहे थे उसकी ही नेगेशन आ गई है कि वी तो हम नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेके चल रहे थे, और यहाँ से ये शो हो गया है कि वी इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने बाद में सपोजिशन की है वो सपोजिशन रॉन्ग है, कि हमने सपोजिशन क्या की थी कि ए को हम लेके चले थे नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी वजह से जो है वो कंट्राडिक्शन आ गई है हमारे पास। तो यहाँ से फिर हम क्या कहेंगे कि जो हमने सपोजिशन की है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो वो रॉन्ग है, और फिर इसके यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाइज हो जाएगी कि ए मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो है वो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। इसमें हमने जो है वो माइनस ए टाइम्स वी इसको जो है वो पहले लेके चलना है, और फिर यहाँ से हमने ये सारे एक्सप्रेशंस जो है वो हमने प्रूव करने हैं। अब वी हैव डेट, हमें एक चीज़ का पता है कि अगर हम ज़ीरो ज़ीरो को जो है वो हम लिख सकते हैं ज़ीरो, अगर ज़ीरो डॉट वी ले रहे हैं तो ये हमारा जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम स्केलर ज़ीरो ले रहे हैं से तो फिर हमारे पास जो है ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आता है, जैसे कि अभी ये प्रॉपर्टी हमने जो है वो प्रूव की कि ये वाली हमें ये हमने प्रूव किया है कि ज़ीरो डॉट वी जो है वो हमारा इक्वल टू ज़ीरो आता है। तो इसको सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को हम इस पर स्टार्ट में यूज़ कर रहे हैं ज़ीरो डॉट वी इक्वल टू ज़ीरो वाली। अब ज़ीरो जो है वो मल्टीप्ली वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, तो अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसकी जगह पर हम जो है वो इन्वर्स जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब है कि जो एडिटिव इन्वर्स है ए का वो माइनस ए है, इसको अगर हम ए में ऐड करते हैं तो ये हमें देता है ज़ीरो आंसर। अब बेसिकली हम इस ज़ीरो की प्लेस पे जो है ये चीज़ें हमने रिप्लेस कर दी इस ज़ीरो की प्लेस पे, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है वो एक प्रॉपर्टी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वी इज इक्वल टू अल्फ़ा वी प्लस बीटा वी, तो ये हमने यूज़ कर ली। यहाँ पर अल्फ़ा ए है और बीटा जो है वो माइनस ए है, तो ये हमने अभी जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर ली। उसके बाद हम जो है वो दोनों साइड्स पे जो है वो माइनस ए टाइम्स वी जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड से हम ऐड कर रहे हैं माइनस ए टाइम वी, इधर भी हमने ऐड कर दिया।
अब इधर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है माइनस ए टाइम डी और ये प्लस ए टाइम वी, ये एक दूसरे का जो है वो डी टी वी इनवर्स बन गए हैं, तो यहाँ से ये तो वैल्यू हमारे पास आ गई ज़ीरो। ठीक है, और इधर अगर हम डी टी वी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये प्लस ज़ीरो हो रहा है, तो ये हमारे पास माइनस ए वी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी प्लस ज़ीरो हो रहा है, तो यहाँ भी सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई माइनस ए टाइम्स वी डी टी वी आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हुए। तो हमने ये जो है वो प्रूव कर लिया कि ये माइनस ए वी जो है वो माइनस ए वी के इक्वल आ रहा है, और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। अब नेक्स्ट जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रूव करनी है, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो प्रीवियस वाली जो है वो हमने प्रूव की है, उनको हम यूज़ करेंगे। हम लेके चल रहे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए इंटू यू माइनस वी। अब ए इंटू यू माइनस वी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं यू प्लस माइनस वी। ठीक है, अब यू प्लस माइनस वी तो हमने इस तरह एक्सप्रेस कर लिया। अब ये जो है वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर एक स्केलर और दो वैक्टर्स आ रहे हैं तो इस तरह ये स्केलर जो है वो इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये ए को हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये जो अभी हमने फोर्थ वाली प्रॉपर्टी यूज़ प्रूव की है, फोर्थ वाली में हमने ये प्रूव किया बेसिकली कि हम ए को माइनस वी से चाहे मल्टीप्लाई कर लें या फिर हम माइनस जो है वो बाहर लेके ए वी को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दोनों साइड्स जो है वो हमारे पास इक्वल आएंगी। तो यहाँ पर इसकी प्लेस पे फिर हमने जो है वो ये पुट कर लिया। अब फाइनली जो है ये प्लस माइनस ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, तो जो रिक्वायर्ड प्रूफ था वो हमने जो है वो प्रूफ कर लिया है जो हमें रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो ये हमने जो है ये आज फाइव रिजल्ट्स जो हैं वो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हमने प्रूव किए कि अगर हमारे पास यू और वी यहाँ पर वेक्टर्स हैं और ए हमने फील्ड में से लिया हुआ है, तो ये फाइव रिजल्ट्स, इन फाइव रिजल्ट्स को जो है वो आपने याद रखना है, इनको जो है अब हमने प्रूव कर लिया है, तो अब हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इन रिजल्ट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन वाले रिजल्ट्स जो है वो जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी थी वो वेक्टर स्पेस है तो उसको यूज़ कर रहे थे, तो अब अगर वेक्टर स्पेस है तो फिर हम इन रिजल्ट्स को भी जो है जहाँ हमें रिक्वायर होगा वो हम वहाँ पर जो है वो यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम सब स्पेस का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि वेक्टर स्पेस में जो है वो सब स्पेस क्या होती है और कैसे हम जो है वो सब स्पेस का क्राइटेरिया क्या है उसका प्रूफ और उसका जो है वो सब स्पेस की एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे।